सबसे अलग वीडियो, ना ही मोबाइल हैकिंग की ना ही सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग का। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेबसाइट हैकिंग का वीडियो कि कैसे भी किसी वेबसाइट पे आप कंट्रोल बना सकते हैं। बट इतना अनसिक्योर कोई वेबसाइट होगा नहीं, उस पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ वगैरह रहती हैं। पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कोई आप लेस सिक्योरिटी वेबसाइट को कैसे हैक कर सकते हैं, जिससे उसमें कितनी कमियाँ हैं, आप कमियों को बग्स फाइंड करके आप उसको हैक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट HTML एडिटिंग से दिखाऊँगा कि कैसे आप किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। और यहाँ वेबसाइट कई प्रकार से हैक हो सकते हैं। SQL से हैक हो सकता है, पॉट ओपन से हैक हो सकता है। तो मैं आपको सीधे दिखाता हूँ कि HTML से आप किसी वेबसाइट हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक विंडोज़ कंप्यूटर, चाहे विंडोज़ या लिनक्स हो। सबसे पहले चाहिए होगा इंटरमैक्स, विंडोज़ कंप्यूटर आपको चाहिए होगा। बट विंडोज़ यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो हम आपको दिखाते हैं वर्चुअल काली लिनक्स हमने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, काली नेट हंटर। तो हम उसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं बाई HTML एडिटिंग। तो यहाँ पे हम काली स्टार्ट कर लेते हैं अपना, स्टार्ट काली आते हैं। काली हमारे स्टार्ट हो गया है, आप सब देख सकते हैं काली लोकल होस्ट आ चुका है। यहाँ पे हम अपना VNC सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, VNC सर्वर। तो यहाँ पे VNC सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हम सीधे आप आ जाते हैं अपना VNC में। तो यहाँ पे काली आ गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं काली ओपन कर लेता हूँ, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है काली लिनक्स। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरा काली लिनक्स सिस्टम ओपन हो चुका है। मैं इसको टर्न कर लेता हूँ क्योंकि तब हमें कम प्रॉब्लम होगी, आपको क्लियरली विजिबल भी होगा। सो अब यहाँ पे हमें ब्राउज़र में जाना है, वेब ब्राउज़र देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। सिस्टम थोड़ा स्लो है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट एंड्रॉइड में रन करा रहे हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र खुल चुका है। पैक HTML का जो यहाँ पे लिखा हुआ है URL, उसको कट कर लेते हैं। तो मुझे कीबोर्ड भी चाहिए होगा, सो मैं यहाँ पे कीबोर्ड ले लेता हूँ, 1 मिनट। आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है इंस्टॉल हुआ यहाँ पे काली में, तो मैं वर्चुअल कीबोर्ड ले लेता हूँ, माउस को ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो वर्चुअल कीबोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसको ऊपर लेंगे थोड़ा सा, हम इसको कट कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे हमें सर्च करना है हैकर टेस्ट, सॉरी HACKER TEST। सॉरी, कीबोर्ड हमें नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब करेंगे HACKERTEST.NET। तो मैं अभी सीधे लॉगिन कर जाते हैं HACKERTEST.NET पर, कीबोर्ड कट कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ओपन सोर्स वेबसाइट है जिसमें आप अपने हैकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप हैकिंग कैसे कर रहे हैं, वेबसाइट हैकिंग कैसे करी जा सकती है। आपको ये टेस्ट करने के लिए फ्री ओपन वेबसाइट है। तो हमें यहाँ पे इसका पासवर्ड डालना है, इसका पासवर्ड तो हमें पता नहीं है। अब हमें पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो सिंपली फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें चले जाना है व्यू पेज सोर्स। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं व्यू पेज सोर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पेज की पूरी कोडिंग आ गई है HTML की। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे पासवर्ड लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड लिखा होगा। तो पासवर्ड आप नीचे देखेंगे तो पासवर्ड में आपको लिखा, देखिए बॉडी ओल्ड पासवर्ड। तो पासवर्ड की स्क्रिप्ट वहाँ पे ऊपर जो है पासवर्ड लिखने के लिए आता है, पासवर्ड जो लिखा था वहाँ पे यहाँ से लिखा। तो यहाँ पे जब पासवर्ड आपको डालेंगे नल,
जब आप नल पासवर्ड डालेंगे तभी आप ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नल पासवर्ड डाल के देख लेते हैं, तो इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे। सॉरी कॉपी। अब हम बैक चले जाते हैं अपने वेबसाइट्स में और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं नल पेस्ट। अब लॉगिन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड एक बार और पूछ रहा है, तो हम फिर से नल डाल देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ओके देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लेवल 2 पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स लेवल 1 हमने क्रॉस कर लिया, जो HTML का वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया गया था वहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है रिफ्रेश, तो आप अगले पेज में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश आ रहा है तो हम सिंपली रिफ्रेश पे जाते हैं, यहाँ पे कर लेंगे व्यू सोर्स पेज। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट लैंग्वेज, तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह कुछ मांग नहीं रहा है हमसे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड मांग रहा है। हाँ तो पासवर्ड है 131, सॉरी ये 131 नहीं है, ये ILL है, सॉरी L3L है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं L3L को, कॉपी L3L को हम कॉपी कर लिया। और आप चाहें तो यहाँ से इसका प्लीज़ एंटर पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कैसे आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ, सॉरी मैं आप पासवर्ड जो लिखा है उसको कट कर लेता हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो सर्च पासवर्ड, तो जहाँ जहाँ पासवर्ड आपको लिखा होगा वो सब आ जाएगा। एक मिनट ये सर्च कर रहा है, सॉरी। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड केवल 131, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सॉरी L3L है, सॉरी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लेते हैं हम और इसको ले जाके हमें यहाँ पे आना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड मांग नहीं रहा है क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा फिर से, तो यहाँ पे हम पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं L3L, फिर एंटर। फ्रेंड्स तो देख सकते हैं हम सक्सेसफुली पेज 3 पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांग रहा है, तो हमें पासवर्ड तो पता नहीं है, तो हम फिर से यहाँ पे जो है कैंसिल कर लेते हैं इसको। ओके हाँ तो हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं सोर्स कोड को एडिट करते हैं। वैसे इतना इजी तो कोई होगा नहीं वेबसाइट हैक करना, क्योंकि सब वेबसाइट अपनी सिक्योरिटी लगा कर बैठे होंगे। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो इजी वे में मतलब पार्ट टाइम के लिए ऐसे बनाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब बग्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम HTML को ऐसे हैक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड आप सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड जो है आपका L-Link, ये हैश से हम कॉपी कर लेते हैं 0 पूरा, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर ले जाके हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, हमें रिफ्रेश कर लेना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, हमको वहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेट कनेक्शन मेरा डाउन है इसलिए टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो हाँ आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड, मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया फिर एंटर कर दिया। तो लेवल 4 फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव लेवल 4। तो मैं लेवल 4 पे आ चुका हूँ फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं लेवल 4 कैसे क्रॉस करना है। यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू नेक्स्ट लेवल, तो हमने क्लिक कर दिया सिंपली। तो यहाँ पे भी पासवर्ड मांग रहा है, तो हमें पासवर्ड पता नहीं, सॉरी हम कैंसिल कर देते हैं। ओके लेवल 4, तो हम यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं HTML कहाँ गया, हाँ सॉरी HTML पेज, तो यहाँ पे मांगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे पासवर्ड कहीं नहीं लिखा है। हाँ फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन नेक्स्ट लेवल है, ये आपको वेबसाइट दे दिया क्लिक हियर टू करके। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं,
तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा पासवर्ड, पासवर्ड ये रहा है पासवर्ड आपका, सेव एज हेल्प अलॉट। फ्रेंड्स हमको कुछ नहीं करना, सिंपल हमें यहाँ पे सेव एज HTML तक कॉपी कर लेना है, नीचे वाला कॉपी कर लेते हैं सेव एज HTML। फिर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है वेबसाइट्स में और फिर यहाँ से पूरा इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमें। तो फ्रेंड्स पेस्ट कर दिया हम, अब यहाँ पे हम विजिट कर देते हैं इस वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिंपली 5 and 4 and 5 हमने बाईपास कर दिया है, सीधा आ गया 6 पे, 6 लेवल पे आ गए। यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांग रहा है, हमें पासवर्ड पता नहीं है, हम कैंसिल करते हैं। फिर से फ्रेंड हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यू HTML सोर्स कोड पे, फिर से व्यू करेंगे हम। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं पासवर्ड। सो फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ हमें सुराख मिल जाए। फ्रेंड्स इस पर देख सकते हैं क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है, और कहीं नहीं ऑप्शन दे रहा है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं JS पे। सो फ्रेंड यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल चुका है, ये रहा हमारा पासवर्ड हमारा, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं सीधे, कुछ नहीं करना, कॉपी कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश। हमें फिर से पासवर्ड डालना होगा, तो यहाँ पे सिंपली हमें पासवर्ड पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद ओपन कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुल लेवल 7 पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मांग रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से लाएंगे। फिर से हम चले जाते हैं सोर्स पेज पे, कुछ नहीं करना हमें। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, इमेज फाइल आपको दिख रही जिप, मतलब हमें यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करनी होगी यहाँ पे हमें, तो ऐसे तो पासवर्ड मिलने वाला नहीं है हमें। हम यहाँ पे चले जाते हैं इंक्लूडिंग, सॉरी हाँ ओके फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे जाना है वेबसाइट्स पे और ये HTML को हमें यहाँ से कट कर लेना है, HTML को पूरा कट कर लेना है HTML। तो हमने HTML कट कर लिया यहाँ से, अब हमें लिखना है यहाँ पे डॉट GIF GIF enter, सॉरी फ्रेंड डॉक्यूमेंट एरर हो गया, बैक कर लेते हैं एक बार, फिर से हम पढ़ लेते हैं खाते से कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। यहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको ढूंढने में, तो यहाँ पे इसका पासवर्ड है, सीधे हम सोर्स में चले जाएंगे, वीडियो सोर्स पेज। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको HTML के कमांड दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है GIF से लेके आप पूरा ईमेज तक यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें सीधे अपने जाना है, यहाँ पे हमें URL को एडिट कर देना है, यहाँ इंक्लूड जो है इंक्लूड तक पूरा हमें कॉपी कर लेना है, सॉरी एक मिनट, यहाँ हम इंक्लूड तक आ गए, तो इसको हम कट कर लेते हैं, कट। अब यहाँ पे हमें करना है पेस्ट, तो हम माउस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट होने के बाद हम इस पेज को विजिट कर देंगे, विजिट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक इमेज खुल के आ गया है, आपको कॉर्नर में यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप जूम करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड और वो जो है यूज़र दिख रहा है, यूज़र है PHAT पी हैट, तो यूज़र हम लिख लेते हैं पी हैट, यूज़र पी हैड और पासवर्ड है JERKYBAR3। तो एक हम ब्लैक आ जाते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं पासवर्ड जी हैट, और पासवर्ड था हमारा J A R K, और क्या था भूल गया, सॉरी P हैट था, J E R K Y बार, जेड की बार थ्री। J E R K Y P A R 3, और यहाँ पे P hat, यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन। सॉरी फ्रेंड्स, लगता है मिस्टेक हो गया। नो फ्रेंड्स, हम लेवल 8 पे आ गए शायद, वन मिनट में, हाँ लेवल 8 पे आ गए। तो फ्रेंड पासवर्ड बिल्कुल सही है, लेवल 8 पे